हम लोग पढ़ रहे थे कल, हम लोग पढ़ रहे थे तापमान का प्रतिलोमन, इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा बढ़िया से, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे कल, वो हम लोग पढ़ रहे थे अप्रवाही, नॉन अप्रवाही, नॉन एडवेक्शनल इन्वर्सन। उसी को आप प्रवाही बोलते हैं, एक ही बात है। ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, प्रवाही प्रवाही पढ़ रहे थे, सॉरी सॉरी, एडवेक्शनल पढ़ रहे थे ना हम, उल्टा बोल दिए, एडवेक्शनल हम लोग ये पढ़ रहे थे। इसमें हमने, हाँ ठीक ठीक, इसमें हम भूल गए थे कि वो पढ़ा रहे थे, ये ना पढ़ा रहे थे हम लोग। इसमें तीन चीज़ पढ़े थे, एक पढ़े थे चक्रवाती, ये बता चुके थे। दूसरा हम लोग घाटी पढ़ रहे थे, एक हमने बताया था साइक्लोनिक, और एक हमने बताया था वैली, और एक हम बताए थे मैकेनिकल। बस यही तीन लिखिएगा, हमको लग रहा है कि इस बार 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसलिए उसी हिसाब से लिखिएगा। हम लोग इसमें पढ़ रहे थे वैली, वैली इन्वर्सन। ये हमने आपको बताया, हमने तीन फिगर बनाया था, हम जल्दी से फटाक से बना रहे हैं। हम बोले थे कि यहाँ पर दिन में, दिन में ये घाटी है, वैली है, इसका ये स्लोप है और इसका ये बॉटम है, इसका ढाल और इसका तल। ढाल में दिन में अधिक हीट लेता है, मोर हीट। थोड़ा सा ना कल मार्कर चेंज कर दीजिए, सबका मुंह थोथा हो गया है ना दिन। ये जो ना कोरस वाला मार्कर अच्छा नहीं होता है, कैमलिन वाला ठीक चलता है, ठीक है ना। हाँ, और ये बॉटम, बॉटम जो है यहां पर देखिए, कम और ज्यादा होने का कारण वो एरिया है, ये लार्ज एरिया है और ये कम एरिया है, क्योंकि नैरो होता है तो ये दिन में अधिक हीट लेता है, तो रात में इसका रेडिएशन भी मोर होता है, मोर रेडिएशन, ये ज्यादा ऊष्मा को छोड़ता है, और यहां से लेस रेडिएशन, ये कम छोड़ता है। जब ये कम छोड़ेगा तो यहाँ पर वार्म एयर होगा, और रात में, नाइट में, और यहाँ पे कोल्ड होगा फर्स्ट कंडीशन में। जैसे ही रात बढ़ता जाएगा ये कोल्ड एयर भारी है, तो भारी होने के कारण ये नीचे उतरेगा, ऐसे नहीं उतरेगा, क्योंकि एयर को ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने के लिए एक स्लोप चाहिए। एयर ऑलवेज मूव अप और डाउन थ्रू अ स्लोप। आप देखे होंगे मानसूनी रेनफॉल पहाड़ से टकरा के होता है, क्यों टकरा के नहीं होता है, वो पहाड़ जब आता है माउंटेन, और मानसून विंड जब आता है तो उस पहाड़ के स्लोप के थ्रू ऊपर जाता है। मॉनसून रेनफॉल होने के लिए पहाड़ का होना बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि उसके स्लोप के थ्रू ऊपर जाता है और ऊपर जाके कंडेंस होता है, और कंडेंस होके वो क्या करता है, वो रेनफॉल कराता है। तो यहाँ वही है, कोल्ड यहाँ चला गया और हॉट एयर ऐसे चढ़ के ऊपर चला जाता है। इसको हम लोग केटाबेटिक और एनाबेटिक, केटाबेटिक एयर और एनाबेटिक एयर बोलते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। केटाबेटिक का मतलब होता है जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ विंड, लिख लीजिए, केटाबेटिक इज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ विंड। केटाबेटिक जो है वो पवन का नीचे की ओर विस्थापन है, और एनाबेटिक इज अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वार्म एयर। केटाबेटिक इज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोल्ड विंड, और एनाबेटिक इज अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ हॉट विंड। और इस तरह क्या होता है कि थोड़े देर के बाद क्या होती है, यहां पर
और ये हो गया तापमान में वृद्धि, इन्वर्सन इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज, और इसी को बोलते हैं वैली इन्वर्सन। क्यों? क्योंकि केवल वैली में होता है। अब इसका क्या इन्वायरमेंटल, ये लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वो रात से सुबह तक, इट रिमेन्स फ्रॉम मिड नाइट टू अर्ली मॉर्निंग, इट रिमेन्स फ्रॉम मिड नाइट टू अर्ली मॉर्निंग, ये मध्य रात्रि से सुबह सुबह के शुरू होने के पहले तक, और सुबह होते ही जैसे ही सुबह होता है धूप उगता है खत्म हो जाता है, और इट रिमेन्स फॉर शॉर्ट टाइम, ये शॉर्ट टाइम में ये क्या होता है, रहता है। ठीक? नहीं, कलम सुधारे तो हम अभी ना बताए कि स्लोप मोर ए, चूंकि स्लोप का मैक्स मोर एरिया जो है वो सन रे को रिसीव कर रहा है, और वैली तो एकदम नैरो है ना, सकरा है, तो कम ना वो रिसीव कर रहा है। तो कलम नहीं बताते किरचॉफ्स का लॉ, चूंकि इसका मोर एरिया, इसका मोर एरिया ले रहा है हीट और इसका कम एरिया ले रहा है। और हम बता चुके हैं आपको कि अ गुड एब्जॉर्बर इज गुड इमिटर, एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, तो ये ना ज्यादा हीट छोड़ेगा। अरे तो ज्यादा अवशोषक तो ज्यादा ढाले वाला ना छोड़ेगा। एक मिनट सुनिए, बैठे क्या बात कर रहे हैं आप, समझे क्या है, यहाँ ठंडा हवा होगा और यहाँ गर्म हवा होगा, फिर से सुनिए, ध्यान आपका कहीं और था। और हम क्या बोले कि ठंडा हवा भारी है और गर्म हवा हल्का होता है, कोल्ड एयर इज हैवी एंड हॉट एयर इज लाइट वेट, और ये दोनों को जब स्लोप मिल जाएगा, कोई सपोर्ट मिल जाएगा, तो दोनों ऊपर नीचे चढ़ना शुरू करेंगे आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद ये कोल्ड एयर नीचे सेटल होगा और हॉट एयर ऊपर चलेगा, और इसी के कारण तो केटाबेटिक और एनाबेटिक विंड चलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि कहाँ पर केटाबेटिक और एनाबेटिक विंड चलते हैं, तो वैली में, तब ठंडा हवा नीचे उतर के यहाँ जमा हो जाएगा, देखिए यहाँ ठंडा हवा और गर्म हवा ऊपर उठ के यहाँ जमा हो जाएगा। बस हम कहाँ बोले कि वहाँ ठंडा नहीं होगा, ठंडा तो होवे करेगा, यदि ये स्लोप नहीं होता, स्लोप नहीं होता तो ये कंडीशन वैसे का वैसे ही रहता, ऊपर ठंडा और नीचे गर्म, लेकिन घाटी का स्लोप के थ्रू कोल्ड विंड सेटल डाउन एंड हॉट विंड लिफ्टेड अप इन फॉर्म ऑफ केटाबेटिक विंड एंड एनाबेटिक विंड, मतलब ये जो ढाल है उसके सहारे ठंडी वायु नीचे और गर्म वायु ऊपर जाती है, और इस प्रकार क्या होता है ये तापमान का, अब समझे, पहला कंडीशन तो यही है कि ऊपर ठंडा और नीचे गर्म। अब देखिए इसी के कारण जो पीपल जो होते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, वो घाटी का, चूंकि देखिए ये तल है, ये समतल होता है, चौड़ा समतल होता है, फिर भी यहां नहीं रहना पसंद करते हैं, इसमें खेती वो कर सकते हैं, दे कैन डू एग्रीकल्चर इन बॉटम ऑफ वैली, बिकॉज बॉटम ऑफ वैली, वैली इज प्लेन सरफेस, दे कैन डू एग्रीकल्चर इन बॉटम ऑफ वैली, वो तली में रह के खेती कर सकते हैं और वहां पे रह सकते हैं, बट दे प्रिफर स्लोपी एरिया ऑफ वैली फॉर देयर शेल्टर, दे प्रीफर स्लोपी एरिया ऑफ वैली फॉर देयर शेल्टर, वे अपने निवास के लिए ढलान वाला क्षेत्र को चुनते हैं,
क्यों ढलान वाला क्षेत्र को? क्योंकि घाटी पहाड़ी क्षेत्र में रात को बहुत ठंडा लगता है, बिकॉज टेम्परेचर ऑफ माउंटेन एरिया, आप जानते हैं ना, ऊंचाई बढ़ने के साथ घटते जाता है, इज वेरी डिक्रीजेज अप टू वेरी लो टेम्परेचर, लेकिन तापमान के इन्वर्सन के कारण ये क्षेत्र फिर भी गर्म रहता है, इसीलिए लोग इसको प्रिफर करते हैं। दूसरा, यहां पर क्या होता है, एक और फायदा है कि रहते यहां हैं लेकिन कुछ ऐसी घाटी हैं जहां अफीम की खेती की जाती है। ये अफीम की खेती के लिए बहुत लाभदायक होता है, अफीम की खेती। अब क्यों भाई? अफीम का खेती, जैसे हम बता रहे हैं, दो तीन जगह ऐसे हैं जहां अफीम की खेती की जाती है, जैसे आपका है घाटी का नाम हम भूल रहे हैं, ईरान का कोई घाटी है, अरब का, सॉरी, अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं इसको। तो अब देखिए क्या होता है, यहां पर होता क्या है कि जब ठंडी वायु नीचे जाती है और गर्म वायु ऊपर उठती है, तो जहां पर यहां पर मिलते हैं, कहीं ना कहीं वो मिलेंगे, तो जहां पे मिलते हैं वहां पे कोहरा कोहरा बनता है, फॉग। व्हेन बोथ कैटाबेटिक विंड एंड एनाबेटिक विंड मीट्स विथ ईच अदर, व्हेन बोथ कैटाबेटिक एंड एनाबेटिक विंड्स मीट विथ ईच अदर, जब कैटाबेटिक और एनाबेटिक पवनें आपस में मिलती हैं, देन फॉग इज फॉर्म्ड, फॉग्स आर फॉर्म्ड, सॉरी, फॉग्स आर फॉर्म्ड, कोहरा छाया छा जाता है। और कहवा की खेती, कॉफी और अफीम के लिए शेड, डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। एंड क्या है, द कल्टीवेशन ऑफ या द एग्रीकल्चर ऑफ कॉफी एंड अफीम इज डन इन शेडेड एरिया, शेडेड एरिया, उनकी खेती छायादार जगह में की जाती है, इसीलिए वैली आर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर ऑफ कॉफी एंड अफीम। भले ही इन्वर्सन रात को होता है, रात को होता है, लेकिन जो जो फॉग है वो मतलब बहुत दिन लंबे समय तक रहता है, उसका इफेक्ट रात में होता है, फॉग बन जाता है, बहुत धीरे 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 खत्म होता है, और खत्म होते होते शाम हो जाता है, ये हमेशा छाया रहता है, इसीलिए ये किया जाता है। तो लिख दीजिएगा कि दिस इन्वर्सन इज बेनिफिट, दिस इन्वर्सन इज, है ना, बेनिफिट फॉर एग्रीकल्चर ऑफ कॉफी एंड क्या, अफीम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, बोलिए, अफीम को, जो भी है, ये दो चीज हम लोग समझ गए। अब अगला देखिए, यांत्रिक, कावा तो कॉफी के लिए हो गया, अफीम देखिए तो हम भूल गए, मेरे दिमाग में मतलब मुंह से नहीं आ रहा है, अफीम ही बोलते हैं, हाँ अफीमी, आही फीम बोलते हैं, हाँ वही चीज, आही फीम, ठीक है ना, आही फेन, हाँ ठीक है, आही फेन, ठीक है, चलिए, लिखा हुआ है मेरे नोट्स में, वो लिखा हुआ है, दिमाग से निकल रहा है, चलिए, ओपियम, सॉरी, हाँ ओपियम, ओपियम, ठीक है ना, दिस इज सुटेबल फॉर या दिस इज बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चर ऑफ कॉफी एंड ओपियम, दिस इज बेनिफिशियल फॉर, दिस इज बेनिफिशियल फॉर, मतलब दिस इन्वर्सन इज बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चर ऑफ कॉफी एंड अफीम। चलिए यांत्रिक में देखिए,
यांत्रिक प्रतिलोमन जो है प्रति चक्रवात की स्थिति में होता है। ये प्रति चक्रवात क्या है भाई? दिस अकर्स इन एंटी साइक्लोन, साइक्लोनिक कंडीशन। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन क्या है इसको समझिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। एंटी साइक्लोन क्या है? ये साइक्लोन का उल्टा है। साइक्लोन का जस्ट उल्टा कौन है? एंटी साइक्लोन। ये चक्रवात का उल्टा है। समझिए इसको, चक्रवात। साइक्लोन में क्या होता है, हमने आपको बताया था कल कि साइक्लोन में एक फ्रंट बनता है और उस फ्रंट के सहारे हॉट, गर्म, हॉट और मॉइस्चर, मॉइस्ट एयर ऊपर चढ़ता है। हॉट एंड मॉइस्ट एयर राइजेज अप, हॉट एंड मॉइस्ट एयर राइजेज अप थ्रू फ्रंट। हमने ये बताया था कि गर्म और आर्द्र वायु चक्रवात में, गर्म और आर्द्र वायु ढाल के सहारे ऊपर चढ़ती है। और ऊपर चढ़ती है जब, तो ऊपर, और ऊपर कैसे चढ़ती है? चक्र के रूप में, ऐसे ऐसे चढ़ती है, इसीलिए इसको चक्रवात बोलते हैं। और ऊपर जाके इसका संघनन होता है, इसका कंडेंसेशन होता है। किसका? वार्म एंड मॉइस्ट एयर का। और ये चढ़ती किसके थ्रू है? फ्रंट के थ्रू। जब संघनन होता है तो बारिश होगी। आप देखें चक्रवात में बारिश होगा, रेनफॉल। लेकिन ये रेनफॉल का नेचर डिपेंड करता है कि साइक्लोन कैसा है। बट द नेचर ऑफ रेनफॉल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ साइक्लोन। बट द रिजल्ट ऑफ साइक्लोन इज रेनफॉल। लेकिन साइक्लोन का रिजल्ट रेनफॉल, वर्षा है। लेकिन नेचर कैसा रेनफॉल हो रहा है वो डिपेंड फ्रिक्वेंस उसके साइक्लोन पे करता है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये आ सकता है चक्रवात। अब जैसे ही वर्षा होती है ये वायु ठंडी हो जाती है, इसको समझिए। ये ऊपर उठ रही है, वार्म एयर, इसको चक्रवात बोलते हैं। दिस इज नोन एज साइक्लोन। उसके बाद इसका कंडेंसेशन हुआ। जैसे ही कंडेंसेशन हुआ ये एयर ठंडी हो गई, ठंडी वायु, और ठंडी वायु नीचे उतरती है, कोल्ड एयर, कोल्ड एयर। इसी को बोलते हैं प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन। क्योंकि देखिए जब वो, समझ लीजिए, जब वो कंडेंसेशन होगा, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, कंडेंसेशन जब होगा तो उससे हीट रिलीज होगा, ऊष्मा मुक्त होगी। पता नहीं आप लोग फिजिक्स में पढ़े हैं कि नहीं, लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। जब किसी भी, देखिए कोई ज्वाइन किए हैं, देखिए जा लाइट आपके से हिल गया। देखिए जब किसी भी, समझ लीजिए, किसी भी सबस्टांस का फेज चेंज होता है, अवस्था बदलता है, तो हीट रिलीज होता है। जब किसी भी, व्हेन फेज ऑफ एनी सबस्टांस चेंजेस, फेज ऑफ एनी सबस्टांस चेंजेस, देन हीट इज रिलीज्ड। जब किसी पदार्थ का अवस्था बदलता है, ऊष्मा मुक्त होती है, और हीट जब रिलीज होगा तो नेचुरल है वो ठंडा हो जाएगा। ड्यू टू दिस हॉट एयर कन्वर्ट्स इन कोल्ड एयर, ड्यू टू दिस हॉट एयर कन्वर्ट्स इन कोल्ड एयर, दिस कंडीशन इज नोन एज एंटी साइक्लोन। इसी को बोलते हैं एंटी साइक्लोन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब, इसको डायरेक्ट आप समझ गए होंगे, फिर से समझिए। जब
क्या होता है, वार्म एंड मॉइस्ट एयर, जब गर्म और आर्द्र वायु राइजेज अप इन साइक्लोन, चक्रवात में जब गर्म और आर्द्र वायु ऊपर की ओर उठती है, देन इट स्टार्ट्स टू कंडेंस एट वेरी हाइट, अधिक ऊंचाई पर जाकर इसका संघनन होता है। ड्यू टू दिस रेनफॉल अकर्स, ड्यू टू दिस रेनफॉल अकर्स, इसके कारण वर्षा होती है। आफ्टर देन सॉरी ड्यूरिंग दिस वार्म एयर रिलीजेज हीट, ड्यूरिंग दिस वार्म एयर रिलीजेज हीट, इस दौरान गर्म वायु उष्मा मुक्त करती है। ड्यू टू दिस हॉट एयर कन्वर्ट्स इन कोल्ड एयर, गर्म वायु ठंडी हो जाती है, ठंडी वायु में कन्वर्ट हो जाती है। और इट आफ्टर देन इट स्टार्ट टू सेटल डाउन, कोल्ड एयर स्टार्ट टू सेटल डाउन, इसके बाद ठंडी वायु नीचे उतरने लगती है। दिस इज नोन एज उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी साइक्लोन। ये इसमें नहीं लिखना है, हम समझाएं, इतना कुछ इसमें लिखिएगा तो नंबर कट जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा प्रति चक्रवात क्या है, और आप एग्जामिनर को समझा रहे हैं कि प्रति चक्रवात ये है, ये सोच के कि उसको नहीं आता है तो एग्जामिनर काट देगा, बोलेगा ज़्यादा तेज बन रहे हो, हमको पता है एंटी साइक्लोन क्या होता है। आपको यहाँ पे लिखना है इन्वर्सन, ना कि इसी को बोलते हैं टू द पॉइंट। बहुत लोग प्रति चक्रवात लिखने लगते हैं, ऐसा होता है तो ऐसा होता है तो ऐसे हो गया, नहीं लिखिएगा डायरेक्ट प्रति चक्रवात की स्थिति में, इन कंडीशन ऑफ एंटी साइक्लोन, बस यहीं से स्टार्ट कीजिएगा इस पॉइंट में। प्रति चक्रवात की स्थिति में इन कंडीशन ऑफ एंटी साइक्लोन कोल्ड विंड, यहां लिखिएगा कोल्ड विंड सेटल डाउन, या कोल्ड विंड स्टार्ट्स मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, या कोल्ड विंड्स मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन एंटी साइक्लोनिक कंडीशन कोल्ड विंड्स मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि कोल्ड विंड क्या होते हैं, भारी होते हैं, ठीक है, भारी होते हैं। अब देखिए जब वो डाउनवर्ड जाता है, और आप लोग ये भी जानते हैं कि ऊपर प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, और नीचे हाई होता है, क्योंकि हमने बताया है कि लोअर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, गैस का डेंसिटी ज़्यादा होता है, कंपोजिशन सेम है लेकिन डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे वो नीचे जाएगी कोल्ड विंड, इट्स प्रेशर इंक्रीजेज, एज व्हेन कोल्ड विंड मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इट्स प्रेशर इंक्रीजेज, एज व्हेन कोल्ड विंड मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इट्स प्रेशर क्या होगा, इट्स प्रेशर इंक्रीजेज, जैसे जैसे कोल्ड विंड जो है वो नीचे जाएगी उसका प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब प्रेशर बढ़ेगा कि ज़्यादा क्या होगी, वो ज़्यादा घना हो जाएगी, तो प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होगा, जब इधर से प्रेशर लगेगा तो द पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड विंड कोलाइड विथ ईच अदर, ठंडी वायु के कण उच्च दाब के कारण आपस में टकराने लगते हैं, और टकराते हैं तो इसमें हीट प्रोड्यूस होता है। व्हेन कोल्ड विंड स्टार्ट्स टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन ड्यू टू हाई प्रेशर, व्हेन कोल्ड विंड स्टार्ट्स टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन ड्यू टू हाई प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड विंड कोलाइड विथ ईच अदर, ड्यू टू दिस हीट इज रिलीज्ड, इस कारण उष्मा मुक्त होती है, आपस में टकराते हैं इस कारण उष्मा मुक्त होती है, और देन
अब फिर से कोल्ड विंड कन्वर्ट्स इन हॉट एयर, देन कोल्ड विंड कन्वर्ट्स इन हॉट एयर, हॉट विंड, कोल्ड विंड कन्वर्ट्स इन हॉट विंड, और वो ठंडी वायु फिर से गर्म वायु में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब साइक्लोन होने के बाद ये कंडीशन आएगा ही, तो यहाँ पर हॉट है और उसके नीचे उसकी तुलना में वायु ठंडी है। एंड बट द टेम्परेचर ऑफ विंड नियर सरफेस, द टेम्परेचर ऑफ विंड नियर सरफेस, लेकिन धरातल के पास जो वायु है उसका कम तापमान है, has low temperature, the surface of, sorry, the wind near surface has low temperature, तो यहाँ पर गर्म वायु, नीचे ठंडी वायु, इसको हम फिर से एक बार बना दे रहे तो आपको समझ में आएगा। सॉरी, समझ गया एंटी साइक्लोन क्या है? गर्म वायु का ऊपर उठना चक्रवात है और ठंडी वायु का नीचे उसी का, उसको कन्वर्ट हो जाएगा ठंडी वायु में और नीचे गिरना एंटी साइक्लोन है। ये जब यहां आएगी तो ड्यू टू हाई प्रेशर, उच्च वायु दाब, इंक डाल दीजिए ना, हाँ हाँ पवन का दिशा में परिवर्तन नहीं आता है बाबू, ये भारी है, भारी होने के कारण क्या उसे साइक्लोन में पूछ रहे हैं, वो हम बताएंगे, रुक जाइए ना, हम बताएंगे, सब बताएंगे, साइक्लोन में वो चीज़ हम बताएंगे, अभी नहीं, अभी डाइवर्ट हो जाइएगा, अभी केवल याद रखिए ना कि साइक्लोन में वार्म एयर ऊपर चढ़ता है और कोल्ड एयर नीचे उतरता है एंटी साइक्लोन में, वो हम बताएंगे कैसे। हम समझ गए आप क्या पूछना चाह रहे हैं, कि सर्कुलर कैसे हो जाता है ना, हम बताएंगे, चलिए अब देखिए, हाई प्रेस एटमोस्फेरिक प्रेशर के कारण ये क्या हो जाता है, यहाँ के गर्म वायु, गर्म पवन में वार्म विंड में परिवर्तित हो जाता है, जबकि यहाँ अभी भी क्या है, ठंडी वायु, कोल्ड विंड। अब इसी के कारण ये देखिए, यहाँ से यहाँ बस इसी के कारण तापमान में प्रतिलोमन की स्थिति पाई जाती है। अब देखिए, हाँ ये ऊपर देखिए, ये जो प्रोसेस है ना, ये ऊपर ही होता है अपर एटमॉस्फेयर में, ये ऊपर ही आते आते क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और नीचे तो ठंडा रहता है। तो अब देखिए, इसको यांत्रिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक स्पेशल मैकेनिकल फेनोमेना काम किया, एक यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा ये गर्म हुई। यांत्रिक प्रक्रिया क्या है, हाई प्रेशर और फ्रिक्शन, घर्षण, क्योंकि आपस में टकरा रहे हैं, बाप रे बहुत ज्यादा भर दिए हैं, आपस में टकरा रहे हैं, तो टकरा जब रहे हैं तो यांत्रिक बल काम कर रहा है। When particles of air collide, then क्या हो रहा है, collide, तो एक यांत्रिक mechanical force acts between them, एक यांत्रिक बल कार्य कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इस क्रिया को यांत्रिक प्रतिलोभन बोलते हैं।
दिस प्रोसेस इज नोन एज मैकेनिकल इन्वर्शन। ठीक है, इतना कुछ आप पढ़ेंगे। अब यदि पूछ दे तापमान प्रतिलोमन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर, इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर, देखिए पहला तो इंपॉर्टेंस क्या है, पहला लिखिएगा कि इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना फॉर क्लाइमेट, जलवायु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रक्रिया है, जलवायु के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेना ऑफ क्लाइमेट, जलवायु का एक काफी महत्वपूर्ण क्या है, बट इन सम कंडीशन, लेकिन कुछ स्थिति में ये हार्मफुल भी है, इन सम कंडीशन इट इज हार्मफुल। अब तो कहने का मतलब है कि इसका महत्व लिखेंगे, सबसे पहला तो कोहरे का निर्माण होता है। अब देख कोहरा का निर्माण दो कारण से होता है, समझिए, जब कोहरा फॉग, फॉर्मेशन ऑफ फॉग लिखिए इंग्लिश में, कोहरा बनता कैसे है पहले ये देखिए, कोहरा बनने का ये कंडीशन है, फॉर्मेशन ऑफ फॉग का कंडीशन है कि ऊपर हॉट एयर होना चाहिए और नीचे कोल्ड एयर, ये पहला कंडीशन है कि फॉग इज फॉर्म्ड व्हेन हॉट एयर इज प्रेजेंट एबव कोल्ड एयर, फॉग इज फॉर्म्ड व्हेन हॉट एयर इज प्रेजेंट एबव कोल्ड एयर। और ये जो है, अब समझिए, ये हॉट एयर का टेम्प जब ये कॉन्टैक्ट में रहता है कोल्ड एयर के कॉन्टैक्ट में, तब इसका ये जो कोल्ड एयर है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज करता है, और हम परसों बताए थे कि तापमान जब घटता है तो उसका कंडेंसेशन होता है, और जब कंडेंसेशन होता है तो वही फॉग बन जाता है, वो कंडेंस्ड पार्टिकल जो हैं, जो कंडेंस्ड पार्टिकल हैं वो डस्ट पार्टिकल के ऊपर लटक जाते हैं जिससे फॉग बनता है। दीज कंडेंस्ड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन डस्ट पार्टिकल्स एंड दिस इज नोन एज फॉग। तो फॉग के लिए ज़रूरी है कि हॉट एयर ऊपर और कोल्ड एयर नीचे। तो आप देखिए इन्वर्सन ऑफ इन टेम्परेचर में यही है कि नहीं, इन इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर हॉट एयर इज ऑलवेज एबव कोल्ड एयर ड्यू टू, तो जहां भी इन्वर्सन होगा ये कंडीशन होगा। आप देखेंगे, आपको मैं बता देता हूं, शरद ऋतु ऑटमन सीजन आप सुने होंगे, ऑटमन सीजन क्या है कोई बताएंगे हमको एक लाइन में, शरद ऋतु आता है जान ही रहे हैं, सितंबर अक्टूबर वाले मौसम को शरद ऋतु बोलते हैं, किसके बाद, हाँ ठीक है, तो क्या है उसका इंपॉर्टेंट फीचर बताइए ऑटमन सीजन का, हट वो फीचर थोड़ी ना है, क्या बात कर, इंटरव्यू में पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, हट कभी सुहाना नहीं होता है, स्प्रिंग सीजन का सुहाना कहाँ पढ़ लिए हैं कवि नहीं है कवि को, यदि कवि होते तो आपको हर सीजन का विशेषता पता होता है। चलिए सुनिए, एक मिनट सुनिए, ऑटमन सीजन का मेन फीचर क्या है कि दिन में खूब गर्मी और रात में ठंडा,
है ना, हॉट सीजन इन डे एट डे एंड कोल्ड सीजन एट नाइट, अक्टूबर सितंबर, अक्टूबर सितंबर का लास्ट और अक्टूबर के फर्स्ट वाले भी ऐसा होता है, देखे होंगे, दिन में बहुत गर्मी लगेगा और रात में ठंडा। दिस इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑटोमन सीजन। और फॉग, द फॉर्मेशन ऑफ फॉग अकर्स इन ऑटोमन सीजन, मतलब मोस्टली मोस्टली द फॉर्मेशन ऑफ फॉग अकर्स इन ऑटोमन सीजन, और अधिकांशतः जो है जो कुहला कुहरा और कुहासा दोनों में अंतर जानते हैं कि नहीं, फॉग एंड मिस्ट में? फॉग एंड मिस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फॉग एंड व्हाट डू यू मीन बाय मिस्ट? फॉग में क्या होता है कि जो जो वेपर्स होते हैं, सॉरी, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो या कंडेंस्ड पार्टिकल बोलिए, जो कंडेंस्ड पार्टिकल होते हैं काफ़ी डेंस होते हैं कि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, और मिस्ट में क्या होता है, थोड़ी दूर दूर पे होते हैं बस, लेस डेंस होते हैं। फॉग में वाटर ड्रॉपलेट्स आर मोर डेंस एंड इन मिस्ट वाटर ड्रॉपलेट्स, सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स या कंडेंस्ड पार्टिकल्स आर लेस डेंस, फर्क बस इतना ही है। तो शरद ऋतु में क्या होता है, दिन में गर्मी पड़ता है, तो गर्मी पड़ने के कारण वायुमंडल में क्या होता है, गर्म वायु हो जाता है ऊपर, और जैसे ही बहुत ठंडा पड़ने लगता है नीचे जो सरफेस के कांटेक्ट में है एयर वो कोल्ड हो जाता है, तो इससे क्या बनता है, फॉग एंड मिस्ट। लेकिन इसको इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर नहीं बोलेंगे क्योंकि ये एकदम थोड़ी देर के लिए होता है, ठीक है, तो इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हम ऐसे ही समझा रहे थे, इसका पार्ट नहीं है, हम बस समझने के लिए समझा रहे थे कि द कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉग इज हॉट एयर, द हॉट प्रेजेंस ऑफ हॉट एयर, द कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉग इज द प्रेजेंस ऑफ हॉट एयर एबव कोल्ड एयर। कोहरा बनने का मुख्य कारण जो है गर्म वायु का ठंडी वायु के ऊपर होना है, एंड इन कंडीशन ऑफ इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर, इन कंडीशन ऑफ इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर, तापमान के प्रतिलोमन में हॉट एयर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एबव कोल्ड एयर, तापमान प्रतिलोमन की स्थिति में गर्म वायु सदैव ठंडी वायु के ऊपर होती है, ड्यू टू दिस फॉग इज फॉर्म। और ये फॉग लिख दीजिएगा, दिस फॉग इज क्या है, बेनिफिशियरी बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चर ऑफ कॉफी एंड ओपियम। अब देखिए हम बता, अभी जो भूल गए तो हमको याद आ गया, यमन, यमन की पहाड़ी में जो है वो यमन की पहाड़ी के घाटी में, यमन घाटी बोलिए, सॉरी, यमन एक पहाड़ है उसका यमन वैली है ना, यमन जो इराक में है, इराक, ठीक है, वहां पर क्या होता है, खूब कोहरा छाया रहता है ड्यू टू इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर। ऑलवेज द क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज बाई, द क्लाइमेट ऑफ यमन वैली इज कैरेक्टराइज बाई फॉग एंड मिस्ट ड्यू टू इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर। द वैली ऑफ यमन इज कैरेक्टराइज बाई फॉग एंड मिस्ट ड्यू टू इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर। यमन की घाटी का मुख्य विशेषता, वहां सालों भर कोहरा छाया रहता है तापमान के प्रतिलोमन के कारण, क्योंकि रात में फॉग बनता है और पूरे दिन भर रहता है, इसी कारण वहां पूरे वर्ल्ड का द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉफी इज ग्रोन, जिसको मोचा मोचा कॉफी बोलते हैं, मोचा कॉफी, ये विश्व का सबसे अच्छा कॉफी है और सबसे महंगा है। दिस स्पेसीज इज नोन एज मोचा कॉफी,
तो ये आप याद रखिएगा मोचा, ठीक है। उसी तरह इट इज सुटेबल फॉर क्या ओपियम, ठीक है। दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंस इसका है कि जहां न्यूफाउंडलैंड, आप जानते होंगे, यहां पर न्यूफाउंडलैंड है, न्यूफाउंडलैंड में इधर से क्या आता है, लेब्राडोर, लेब्राडोर कोल्ड करेंट, लेब्राडोर, लेब्राडोर कोल्ड करेंट, और इधर से आता है गल्फ स्ट्रीम वार्म करेंट। ये समुद्र में, ये ओसेन के करेंट है, समुद्री जल धाराएं हैं, दीज आर ओसेनिक करेंट्स, ये लेब्राडोर कोल्ड करेंट और गल्फ स्ट्रीम वार्म करेंट। जब ये यहां मिलते हैं, अच्छा ये लेब्राडोर जब कोल्ड करेंट है तो इसके ऊपर जो एयर होगा वो कोल्ड होगा, द एयर एबव लेब्राडोर करेंट इज कोल्ड एंड द एयर एबव गल्फ स्ट्रीम इज वार्म, द एयर एबव लेब्राडोर करेंट इज कोल्ड एंड द एयर एबव गल्फ स्ट्रीम इज वार्म, व्हेन बोथ मीट्स नियर न्यूफाउंडलैंड, जब ये दोनों न्यूफाउंडलैंड के पास मिलते हैं तो क्या होता है, जो वार्म एयर है इस सिचुएशन वो ऊपर हो जाता है, राइजेज अप एंड कोल्ड एयर सेटल डाउन। और इस तरह यहां पर भी इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर होता है ना, ये इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर होता है। और इस इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर के कारण यहां भी कोहरा छाई रहती है ड्यू टू इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर, फॉग इज फॉर्म, और इस ड्यू टू दिस फॉग समुद्र में फाइटोप्लैंकटन नामक जो है क्या होता है, ये शैवाल है उगते हैं। इन फॉग एंड मिस्ट कंडीशन फाइटोप्लैंकटन्स ग्रो इन अटलांटिक, अटलांटिक ओशन है फास्टली या नियर न्यूफाउंडलैंड, फाइटोप्लैंकटन्स ग्रो फास्टली नियर न्यूफाउंडलैंड, तो न्यूफाउंडलैंड के पास फाइटोप्लैंकटन तीव्र वेग से बढ़ते हैं, और जब तीव्र वेग से बढ़ते हैं तो ये मछली फिशरी के लिए, दिस इज मेन फूड ऑफ, या फिशरी का मेन रॉ मटेरियल है, या दिस इज सुटेबल कंडीशन फॉर फिशरी, ये मत्स्य उत्पादन का एक क्या है, फेवरेबल कंडीशन है। और इसीलिए ये जो न्यूफाउंडलैंड वाला एरिया है ये वर्ल्ड फेम, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन वाला एरिया है, तो ये मत्स्य पालन के लिए भी सुटेबल है, दिस इज सुटेबल, दिस इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर फिशरी। तो ये तीन चार इंपॉर्टेंस है जो आप लिखिएगा, एक फुल लेंथ क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, उसी में दे देगा, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर, डिस्क्राइब अबाउट इट्स टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस, बस ये लिख देना है। चलिए ये कंप्लीट हो गया एक क्वेश्चन, क्या नहीं नहीं मेंशन थोड़ा सा लिखेंगे कि इट इज बेनिफिशियरी, यहाँ पे इसका सेकंड इंपॉर्टेंस लिखेंगे कि व्हेन हॉट, ये व्हेन कोल्ड करेंट एंड हॉट करेंट मीट्स विथ ईच अदर एट अ पर्टिकुलर प्लेस, जब ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा एक जगह मिलती है, देन फॉग एंड मिस्ट आर फॉर्म, है ना, मिलते हैं, चूंकि आप कोल्ड करेंट और वार्म करेंट बोल रहे हैं, मतलब समुद्र तो है, समुद्र का बात कर रहे हैं कि इन दिस प्लेस, क्या या लिखेंगे दिस इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोइंग, दिस इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोइंग फाइटोप्लैंकटन्स, ये फाइटोप्लैंकटन्स के
विकास वृद्धि के लिए आवश्यक दशा है। एंड फाइटोप्लैंक्टन्स आर मेन फूड ऑफ फिशेस, फाइटोप्लैंक्टन्स आर मेन फूड ऑफ फिशेस, और ये मछली का मुख्य भोजन है। सो दिस एरिया इज, सो दिस इज सुटेबल फॉर फिशरी, और ये मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। फॉर एग्जाम्पल न्यूफाउंडलैंड लिख दीजिएगा। एक ठो जगह लेके चलिए ना, महत्व तो छोटा सा कितना लिखिएगा, महत्व तो ऐसे तो बहुत जगह ऐसे हैं, लेकिन ये एक आइडियल प्लेस है, इसलिए इसी को लिखिएगा। तो तीन महत्व तो लिखिएगा, कॉफी की खेती, अफीम की खेती, ये और एक और चीज लिखिएगा, सॉरी वो छूट गया, ये घाटी में पीपल जो हैं, अभी बताए थे ना कि वो स्लोपी एरिया में रहना चाहते हैं, और जितने भी पहाड़ी, सुन लीजिए, पहाड़ी क्षेत्र में जितने भी होटल रेस्टोरेंट्स आप जाके देख लीजिए, नैनीताल देहरादून वगैरह में, ऑल आर सिचुएटेड इन स्लोप ऑफ वैली, बिकॉज यहाँ का जो मौसम होता है वो काफ़ी सुहाना होता है, वेदर इज़ वेरी क्या होता है, वेरी सुटेबल फॉर लिविंग पीपल ड्यू टू इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर, तापमान प्रतिलोमन के कारण घाटी के ढाल का जलवायु मानव के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए पीपल प्रिफर्स द स्लोप ऑफ वैली फॉर किसके लिए, फॉर देयर शेल्टर। सो इसी कारण क्या होता है, होटल्स रेस्टोरेंट्स आर फाउंड इन स्लोप्स ऑफ या स्लोपी स्लोप एरिया ऑफ वैली। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सूर्यातप, इंसोलेशन। इसमें दो क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन सूर्यातप क्या है, लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय इंसोलेशन एंड डिस्क्राइब अबाउट All factors which affect, describe about all factors which affect insolation. सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। जा एक मिनट, मेरा ATI ट्रेनिंग शुरू हो गया है, मैसेज आ चुका है, अब आप लोगों के लिए समय हमको निकालना पड़ेगा स्पेशल, और हम लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग है, चलिए देखते हैं समय को एडजस्ट किया जाएगा, छोड़ेंगे तो नहीं, ठीक है ना, क्लासेस आपके रेगुलर चलेंगे ट्रेनिंग होने के बावजूद, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन है, सूर्यातप क्या है, सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, लिखिए, सूर्यातप क्या है, सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। What do you mean by insulation? Describe about the factors which affect insulation. ठीक है, तो यहां पे नहीं चलेगा क्या, यहाँ पे हम लोग इस पर सबसे पहले सूर्यातप क्या है इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग का सिलेबस बहुत सही जा रहा है, हम जो टारगेट किए हैं उस टारगेट के हिसाब से हम लोग साइंस में भी चल रहे हैं और इसमें भी चल रहे हैं। इसमें ये जो है हमारा एक जो एटमॉस्फेयर है वो मेरा आज 23 तारीख है, 30 तारीख तक एकदम ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग 27 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा, फिर 3 से 4 दिन हम लोग ओसेनग्राफी पे काम करेंगे। चलिए, सूर्यातप क्या है, देखिए, सूर्य से, ध्यान से सुनिएगा, सूर्य से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे सूर्य है तो सूर्य से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसी ऊर्जा को सौर्य ऊर्जा बोलते हैं। सौर्य ऊर्जा, द एनर्जी obtained from sun is known as solar energy,
और इसी सूर्य ऊर्जा को अब देखिए समझिए, ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं हम लोग, लेकिन क्या होता है कि ये पृथ्वी तो इतना बड़ा है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये अर्थ है, ये अर्थ है। अब अर्थ का क्या हर जगह क्या जो एनर्जी मिल रहा वो इक्वल होगा? नहीं, इक्वल नहीं होगा। कई ऐसे फैक्टर्स होंगे, जैसे कहने का मतलब है कि सूर्य से सन से हमको एनर्जी तो मिल रहा है, लेकिन हम कितना ले रहे हैं वो अलग फैक्टर है। वी रिसीव हाउ मच सोलर एनर्जी, वी रिसीव हाउ मच सोलर एनर्जी, दिस डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। हम लोग कितना सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करें वो क्या है, कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब है, इसको ऐसे डिफाइन कीजिएगा, ये तो सौर ऊर्जा है और हम लोग एक पार्टिकुलर प्लेस कितना सौर ऊर्जा प्राप्त करता है, वही सौर ता, उसी को बोलते हैं सूर्यातप। दोनों में फर्क है, सन से जो एनर्जी आ रहा है दिस इज नोन एज सोलर एनर्जी, एंड वी रिसीव विच अमाउंट ऑफ एनर्जी नोन एज इंसोलेशन। इसको लिखिएगा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, और किसी स्थान विशेष द्वारा प्राप्त, किसी स्थान विशेष द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा को हम लोग सूर्यातप कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्यातप। एंड द पर्टिकुलर एरिया दैट रिसीव्स द सोलर एनर्जी नोन एज सूर्यातप, नोन एज इंसोलेशन। और ये जो सूर्यातप होता है वो दो तीन चीज़ पे डिपेंड करता है ना, दो तीन चीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये हम जानेंगे कि एक पर्टिकुलर प्लेस कितना लेता है। एक पार्टिकुलर, समझ लीजिए, एक पार्टिकुलर प्लेस जो होता है वो प्रति वर्ग मीटर प्रति मिनट, मतलब इसको ऐसे लिखिए, 2 ग्राम कैलोरी। हम समझा रहे हैं कि सोलर एनर्जी क्या है, द एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन इज ऑफ नोन एज सोलर एनर्जी, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। एंड द पर्टिकुलर प्लेस ऑफ अर्थ विच रिसीव्स दैट अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी नोन एज इंसोलेशन। और पृथ्वी पर कोई विशेष स्थान जितना सौर ऊर्जा प्राप्त करता है, पृथ्वी पर कोई विशेष स्थान जितना ऊर्जा प्राप्त करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्यातप। और अब यहां देखिए, इसका जो रेट है, सूर्यातप प्राप्त करने का जो दर है, सूर्यातप प्राप्त करने का जो रेट है वो है 2 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये इसका रेट है, द रेट ऑफ इंसोलेशन इज 2 ग्राम कैलोरी। 2 कैलोरी नहीं, गलत है, 2 ग्राम कैलोरी, 2 ग्राम कैलोरी लिखिएगा पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। और इस रेट को सौर स्थिरांक बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट। ये हो सकता है आपसे पूछ दे एग्जाम में, सोलर कांस्टेंट क्या है, सोलर कांस्टेंट। और ये अब समझ लीजिए, ये सौर ऊर्जा का 1/2 अरबवां भाग होता है। सोचिए, हम लोग जो है पृथ्वी का क्या करते हैं, सॉरी ये नहीं, ये मत सोचिएगा, हम ये बोल रहे हैं कि हम, अब समझिए इसको, जो हम लोग सौर ऊर्जा ये आ रहा है पृथ्वी तक, ये केवल 1/2 अरबवां भाग,
हम लोग प्राप्त करते हैं, 1/2 बिलियन पार्ट। हाँ सोचिए, पूरे पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का ये मतलब सूर्यातप जो है वो इतना होता है, इतना कुछ लिखिएगा उसकी, उसके बाद हम लिखेंगे। अब समझिए, ये जो होता है सौर्य सूर्यातप, सूर्यातप हमको विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्राप्त होता है, आप जानते हैं। ऊर्जा को कैरी करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। सूर्य से जो एनर्जी आता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होता है और ये लघु तरंग का होता है, इट इज ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। इसी को हम सौर विकिरण भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज सोलर रेडिएशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज सोलर रेडिएशन। चलिए कल फिर हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग कल पढ़ेंगे इसको प्रभावित करने वाला कारक और पृथ्वी की ऊष्मा बजट, हीट बजट। चलिए ओके, चलिए गुड नाइट।